अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसे कई किले हैं जो आज अपने अंदर कई ऐतिहासिक कहानियां और अपनी चमक लिए आज भी शान से खड़े हैं। ऐसे ही किलों में शुमार है पंजाब के बठिंडा का किला, किला मुबारक। भारत की पहली महिला शासक को कैद करने वाला किला, जहां भारत की सबसे पहली महिला शासक रजिया सुल्ताना को बंदी बनाकर कैद कर लिया गया था। पंजाब के बठिंडा में स्थित किला मुबारक देश के ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। किले से जुड़े इतिहास, माना जाता है कि इसका निर्माण उस समय और उत्तर भारत में सम्राट कनिष्क का शासन था। सम्राट कनिष्क और राजा देव ने मिलकर इस किले को 90 और 110 ईस्वी में बनाया था। 11वीं शताब्दी में किले पर महमूद गजनवी ने कब्जा कर लिया था। पहली महिला शासक रजिया सुल्ताना से जुड़े इतिहास। रजिया पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी, वह खुले दरबार में बैठती थी। उनके अंदर एक बेहतर शासिका बनने के सारे गुण थे। एक समय ऐसा आया जब लग रहा था कि रजिया दिल्ली सल्तनत की सबसे ताकतवर मालकिन बनेगी, लेकिन गुलाम यकूब के साथ रिश्तों के कारण ऐसा ना हो पाया। यकूब रजिया सुल्ताना को घुड़सवारी कराता था, वह उनका सबसे नज़दीकी विश्वासपात्र था। यकूब के तुर्की ना होने की वजह से रजिया के साथ संबंध और नज़दीकियों के कारण रजिया के बचपन के दोस्त अतुलनीय द्वारा की साजिश कर इस किले में कैद कर लिया गया। इसके बाद रजिया ने मौत के डर से अतुलनीय से विवाह कर लिया। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी 1805 की जून माह में यहाँ आए। इस जगह पर उन्होंने लोगों की भलाई और सुख के लिए प्रार्थना की। पटियाला के महाराजा आला सिंह ने इस किले को 1794 में अपने अधीन कर लिया। इस किले के ऊपर गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया। गुरुद्वारे का निर्माण पटियाला के महाराजा करम सिंह ने करवाया था। तो आज ये किला पुराना हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इस किले ने आज भी अपने अंदर कई सदियों का इतिहास समेटा हुआ है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।